नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा बेस्ट हूँ। बच्चों, सब अपनी फाइल के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कलर्स के साथ पढ़ने के लिए तैयार रहें। आपको सीधे बैठना है और कार्य करते समय इधर उधर नहीं देखना है। तो बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक स्वरज्ञान का पेज 53 खोलेंगे, 5 और 3। तो आज हम इस पेज में क्या करेंगे, हम दिए गए संकेतों की सहायता से उन चित्रों के नाम लिखेंगे और यहाँ पर दिए गए शब्दों में अंक की मात्रा लगाकर इनको पुनः लिखेंगे और नीचे खाली स्थान भरेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो सब अपनी अपनी पेंसिल निकालिए, निकालिए सब अपनी अपनी पेंसिल। चलिए बताइए किसका चित्र है। झंडा, तो झ पे अंक की मात्रा, झंडा, झंडा, झंडा। लिखा सभी ने झंडा। चलिए अब बताइए ये किसका चित्र है। लंगूर, तो लिखिए ल पे अंक की मात्रा, लंगूर, लंगूर। लिखा सभी ने लंगूर। चलिए अब बताइए ये किसका चित्र है। अंगूर, तो अपे अंक की मात्रा, अंगूर, अंगूर, अंगूर। तो लिखा सभी ने अंगूर। चलिए अब हम इन शब्दों में अंक की मात्रा लगा के इनको यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ है पख, तो अब हम इसे बनाएंगे पंख। तो प पे अंक की मात्रा, पंख, पंख, पंख। लिखा सभी ने पंख। चलिए अब यहाँ लिखा हुआ है ड डा, तो हम इसे बनाएंगे डंडा। तो ड पे अंक की मात्रा, डन डा, डंडा, डंडा। लिखा सभी ने डंडा। चलिए अब ये क्या लिखा हुआ है, हंस, तो अब हम इसे हंस बनाएंगे। तो ह पे अंक की मात्रा, हंस, हंस, हंस। लिखा सभी ने हंस। चलिए अब देखिए अग, तो क्या इसे बनाएंगे, अंग, तो अ पे अंग की मात्रा, अंग, ग, अंग, अंग। तो लिखा सभी ने अंग। चलिए अब हम इन शब्दों में अंग की मात्रा लगाएंगे। तो ये लिखा हुआ है जंगल, तो हम इसे बनाएंगे जंगल। तो ज पे अंग की मात्रा, जंग, ग, ल, जंगल, जंगल। लिखा सभी ने। चलिए अब ये लिखा हुआ है क, ग, न, तो हम इसे बनाएंगे कंगन। तो क पे अंग की मात्रा, कंग, ग, न, कंगन। लिखा सभी ने कंगन। चलिए अब देखिए ये क्या लिखा है, स, दू, क, तो हम इसे बनाएंगे सन, दू, क, तो स पे अंग की मात्रा, सन, दू, क, संदूक, संदूक। लिखा सभी ने। चलिए अब ये क्या लिखा हुआ है, लंगूर, तो हम इसे बनाएंगे लंगूर, तो ल पे अंक की मात्रा, लंग, गू, र, लंगूर, लंगूर। लिखा सभी ने। चलिए अब हम इन शब्दों पे अंक की मात्रा लगाएंगे। तो ये लिखा हुआ है चुकंदर, तो हम इसे बनाएंगे चुकंदर, तो चप, चु, कपे अंक की मात्रा, कंग, द, र,
चुकंदर, लिखा सभी ने चुकंदर। चलिए अब ये लिखा हुआ है समंदर, तो इसे बनाएंगे समंदर। तो स मापे अंक की मात्रा वन द र समंदर, लिखा सभी ने। चलिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ, शतरंज, तो हम इसे बनाएंगे शतरंज। तो लिखिए श त र पे अंक की मात्रा रन ज शतरंज, लिखा सभी ने शतरंज। चलिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, मंगलवार है, उसे बनाएंगे मंगलवार। तो म पे अंक की मात्रा मंग ग ल वा र मंगलवार, तो लिखा सभी ने मंगलवार। चलिए अब हम नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो डैश ने दोनों को संतरा दिया, तो दोनों को संतरा किसने दिया बताइए, शंकर जी कि पंडित जी ने, पंडित जी ने। तो लिखिए पपे अंक की मात्रा पंडित, पंडित जी ने, पंडित जी ने दोनों को संतरा दिया, लिखा सभी ने। चलिए अब हम अगला वाला पढ़ेंगे, अंजन अंजन एक एक चंचल चंचल है, अंजन एक चंचल क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है, तो लड़का लड़का है, लिखा सभी ने। चलिए अब हम अगला वाला पढ़ेंगे, संत ने चंदन चंदन का डैश लगाया, संत ने चंदन का क्या लगाया था, तिलक। तो लिखेंगे ति ल संत ने चंदन का तिलक लगाया, लिखा सभी ने ये वाला वाक्य। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी पुस्तक स्वरज्ञान का पेज 52 खोलना है। तो सभी ने अपनी पुस्तक स्वरज्ञान का पेज 52 खोला। तो इस पेज में हमें क्या करना है, इस पेज में हमें अंक की मात्रा के ये शब्द लंगूर से लेकर जंगल राज तक अपनी पुस्तिका में बाद में लिखने हैं, और जब आपका वो कार्य पूरा हो जाता है तो उस पेज और इस पेज दोनों की फ़ोटो खींचकर मैम को व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया।